गुरुदेव, हमें अपने घर में किस प्रकार की पुस्तकें रखनी चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनका आभूषण तो पुस्तकें ही हैं। अब हम इतने शिक्षा प्राप्त करते हैं, सब करते हैं, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम दर्शनीय चीज़ों के लिए बहुत कुछ चीज़ों का चुनाव करते हैं। अपने ड्राइंग रूम में बहुत गुलदस्ते, फ्लावर पॉट, पता नहीं क्या 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 चीज़ें हम खोजते हैं, पर्दे, टेबल, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे जानवरों के चित्र या उनकी पेंटिंग्स या उनकी आकृतियाँ या उनके, मतलब बहुत कुछ चीज़ें, ग्लास में, हर चीज़ में। कभी ख्याल आता है कि हमारे घर में एक आध पुस्तक भी हमारे ड्राइंग रूम में क्या रखी हुई हो, तभी तो पता चलेगा कि आप शिक्षित हैं। लेकिन इस दृष्टि में हम सोचते नहीं हैं। पहले अगर आप 50-70 साल पहले देखें तो हर घर में 2-4 पुस्तकें हर घर में ही हुआ करती थी, और कुछ लोग अपनी अच्छी लाइब्रेरी भी रखा करते थे। तो वो उन घर में रहने वाले बच्चे, हम बचपन में, मैं 10th 11th तक जब आया, हमारे घर में कहीं से पुस्तकें थी, और लगभग मैंने सारे विचारकों को पढ़ लिया था। मैं अपनी जो मेरा क्लास का सिलेबस था, जो मेरी विद्यालय का पाठ्यक्रम था, उससे मोर देन मुझे चीज़ों के बारे में पता था। महादेवी वर्मा हमें पढ़ाना शुरू किया गया, बाद में उनके कविता छठी कक्षा में पढ़ चुका था मैं, जब मैं 6 वर्ष, मतलब मैं 6 साल का 7 साल का था। तो ये धीरे धीरे सुन के पढ़ पढ़ के उन चीज़ों से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें घर में धार्मिक साहित्य, गीता हर घर में होनी चाहिए, बहुत सी उपनिषद की पुस्तकें हमारे हर घरों में होनी चाहिए, कुछ श्रेष्ठ कहानियों की पुस्तकें हमारे यहाँ होनी चाहिए, जिनसे हाइपोथेटिकली उपकल्पना का विकास होता है, बच्चों का दिमाग फर्टाइल होता है। बच्चे जब पुस्तक पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में चित्रोपम वर्णनात्मक शैली का निर्माण होता है। अभी बच्चा एक पढ़ रहा है कि 7 बोने हैं, तो उसे बोने दिखाई देने लगे, एक कुआ है, कुएं के आसपास में वो घूम परिक्रमा कर रहे हैं, वो घूमते हुए बोने दिख रहे हैं। फिर वहाँ से उसमें आता कहानी में आगे कि कुएं में से एक मेंढक ऊपर देख रहा है, अपने मेंढक की आकृति दिमाग में बन रही है। फिर उधर से कि 2 घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं, एक काले रंग का, एक सफ़ेद रंग का है, वो घोड़े और रंग के क्लासिफिकेशन उनके दिमाग में बनने लगे हैं। इसी बीच उन्हें आता है कि 2 महिलाएं या एक पुरुष वहाँ से जाते हैं, उनके हाथ में कुत्ता जंजीर में बंधे हुए, तो ये सारा कुछ दिमाग में बन रहा है। अब यही चीज़ फिल्म में सामने है तो दिमाग ने काम ही नहीं किया, हाइपोथेटिकली जो प्रोसेस था मस्तिष्क का, वो विकसित ही नहीं हो पाया। तो जब कथाओं की, कहानियों की या इस तरह की उपनिषद की कथाएं हम पढ़ते हैं, तो वो वृतांत, वो दृष्टांत हमारे मन मस्तिष्क में पैदा होने लगते हैं, और वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होती है, शब्द कोश व्यापक होता जाता है। अभी धीरे धीरे लोगों को अपनी बात एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा, और ये उल्टे पुल्टे ढंग से लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब वो किसी ने किसी को लिखा कि मैं तुम्हें बड़ा भयंकर प्रेम करता हूँ, अब ये भयंकर यहाँ नहीं लगेगा, ये या मतलब कि वो उनको जो है बड़ा, जो है उसमें बड़ा खतरनाक स्वागत किया गया। अब वो मतलब उस शब्द को ज़रा ज़्यादा प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं ना, दिन दहाड़े उनका जो है शेयर बाज़ार में मुनाफा हुआ, उसका दिन दहाड़े से क्या लेना देना है। तो मतलब ये उलट पुलट चीज़ें हम कहीं की कहीं लगा देते हैं सुन सुन करके, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये तब आएगा जब आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे, जब पोइट्री और पुस्तकों को, कहानी की पुस्तकों को और कविताओं की पुस्तकों को बच्चे पढ़ेंगे, घर में होंगी तभी पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए जाने वाली समझ धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो रही हैं, तो रखना चाहिए, धीरे रखना अच्छा भी होगा, और बच्चों को फिर ये भी पता चलेगा कि सुषमा में सापे छोटा वो लगेगा कि बड़ा लगेगा, हमें शिव में शिव लिखेंगे कि शिव लिखेंगे कि शव लिखेंगे, लिखेंगे क्या। तो ये जब हम बहुत सारे अक्षरों को पढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली अवचेतन मन में वो शब्द अंकित होते जाते हैं, तो जब हम उस शब्द को लिखते हैं तो मस्तिष्क में जो छपा हुआ शब्द है वो हमारी मेमोरी का साथ दे करके प्रश्नों पर उकर आता है, तो आप शुद्ध लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। या आने वाले समय में बड़ी समस्या हो जाने वाली है, मैं मैसेजेस देखता हूँ लोगों के, वो लिखना कुछ चाहते हैं और लिख को छोड़ देते हैं, जैसे वो स्वस्ति वासना और क्या आया था, वो एक बार आ गया था लिखा हुआ हमारा, तो ऐसे कुछ कुछ चलता है, फिर पता ही नहीं है कि इसका मतलब भी क्या। अभी भी कई सारे संदेश देखता हूँ, अब सब अपभ्रंश है, मतलब वो हिंदी है ही नहीं, और वो उसमें क्या क्या लोग लिख रहे हैं कह नहीं सकते हैं उसको, पर वो जो उसको नया आदमी देखता है, जो अल्पशिक्षित है या नवशिक्षित है, वो उसको ही व्यवस्था समझ लेता है और सोचता है ये शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें हमारे घरों में हो तो अच्छी बात है, तो सभी तरह का सम्मिश्रण हो, 10-20 पुस्तकें तो सब घरों में होनी ही चाहिए।
तो ये ठीक रहता है और जीवन उसमें ठीक चलता है। हमारी ऐसी लगभग 25-30 पुस्तकें हैं जो हर घर में होनी चाहिए। अगर चलो और कोई समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी तो समझ में आ ही रहे हैं, वो अमेजोन पे हैं, सब पे हैं, उनमें व्यक्तित्व विकास से संबंधित हैं, बाकी चीज़ों से संबंधित हैं, उनको रख सकते हैं। और भी अच्छा हो कि आपके घर में उपनिषद हों, उनके भाष्य हों, रामायण हो, और कुछ अच्छे जो पुस्तकें हैं वो हों, तो उससे आपको हमेशा जब रखी होंगी, आप भी कभी कभी पढ़ोगे। फिर अभी तो है ही नहीं तो मोबाइल में ही सारा समय व्यतीत होता रहता है। जब रखी होंगी तो जरूर जो चीज उपलब्ध है उसका आप इस्तेमाल करते हैं। आर्याम अभयाम बायाम भज रे रे चित सन जय रे।